विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मन की खुशी फाउंडेशन ने युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईएएस के पाठक सचिव ने मानसिक और शारीरिक स्वस्थ जीवन शैली की उपयोगिता पर युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया। संस्था के निदेशक पायल चौधरी ने माइंडफुलनेस अभ्यास की एक प्रभावी प्रक्रिया प्रस्तुत की, जिससे तनाव को दूर किया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने भी मानसिक समस्याओं से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। अंकलेश जाखड़ ने मानसिक स्वास्थ्य पर अपने विचार रखते हुए छात्रों और युवाओं के साथ संवाद किया। वही कार्यक्रम में लगभग 700 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं के छात्र शामिल थे। कार्यक्रम के संचालन में डॉक्टर कुंभाराम चौधरी, मदन टुडावता, अभय चोमिया, ऋषभ जैन, आर्यन चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मन की खुशी फाउंडेशन ने पूर्व में भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25,000 लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में जागरूक किया है। मैं पायल चौधरी, मन की खुशी फाउंडेशन की डायरेक्टर। तो आज 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मेरा फाउंडेशन है, ये बेसिकली मेंटल हेल्थ पे काम करता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम लोग अक्सर बातें करते ही रहते हैं, फैमिली में भी बातें होती हैं और इनके समस्याओं के समाधान भी हम लोग डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है। बट जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत कम ही हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि आने वाले टाइम पर हर फैमिली में एक ना एक आपको तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है। इनफैक्ट आने वाले टाइम पे क्यों, अभी भी मैं किसी से बात करती हूँ तो यह व्यक्ति खुद इस समस्या से जूझ रहा है, या फिर उसका बच्चा हो, फैमिली हो, उसका कोई भी उसके रिलेटिव फ्रेंड हो, तो एक ना एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल ही जाता है, आप मिल के बात करेंगे तो। लेकिन इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे टैकल करें इमोशंस को, कैसे हैंडल करें। और पेरेंट्स की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या अपन देख रहे, स्टूडेंट सुसाइड बढ़ रहे हैं। तो सुसाइड तो एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, तब होता है। तो वो स्टूडेंट का मतलब मानसिक स्वास्थ्य को कितना पीड़ित होगा स्टूडेंट जब जाके वो कदम उठाता है। और एक पेरेंट के लिए मतलब वो चाहता अच्छा ही करना है, सब कुछ अपने तभी बच्चे को भेजता है, अपनी फी उसकी फीस भरता है, तो वो कितना दुखी होगा। एक माँ बाप के लिए बच्चे के एक खरोच आ जाती है तो भी रूह कांप जाती है। और अब ये न्यूज़ पढ़ के, आफ्टर कोविड मैंने न्यूज़ें पढ़ी, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर मैं भी बीइंग अ मॉम मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। वो स्टूडेंट कितना पीड़ित होगा, क्योंकि मैं खुद मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम से जूझ चुकी हूँ। तो पहले मैंने अपने आप को हील किया, फिर मैंने ये न्यूज़ वगैरह देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे को भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, या इन लोगों के लिए जो इस मानसिक स्वास्थ्य पीड़ा से जूझ रहे हैं। तो ये एक शुरुआत करी, एक सोच थी। फिर मैंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, साइकोलॉजी की पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ताकि मेरे को और इसका डीप नॉलेज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे से हो पाएगा मैं बच्चों तक पहुंच के उनको थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपनी बात रख सके। तो इसलिए मैंने ये मन की खुशी फाउंडेशन शुरू किया और लोग जुड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा मेरे को फील होता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम ये समस्या है, ये सॉल्व करो। तो एक बच्चे की अगर मैंने इस मुहिम में लाइफ सेव कर दी तो इट्स ग्रेट फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। देखिए, बच्चों के लिए जो आजकल जो समस्या आ रही है ना, आत्महत्या करने की, डिप्रेशन में आके, जैसे पढ़ाई में किसी के दबाव के अंदर आके कि मैं तो ये कोर्स लूँ, मैं माँ बाप चाहते हैं मैं ये लूँ, वो कहते हैं मैं यूँ लूँ, तो वो डिप्रेशन में आके कई बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में भी काफ़ी समस्याएँ आ रही है इस चीज़ की, प्रशासन भी इस चीज़ से परेशान है। तो इस चीज़ को लेकर हमने एक कदम उठाया। आपका नाम? मेरा नाम मदन चौधरी, प्रदेश महासचिव, राजस्थान जाट महासभा।